जब सभी घर वालों ने बिग बॉस के घर में मारी थी एंट्री तो शहनाज और पारस छाबड़ा एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड नजर आ रहे थे। इन दोनों के बीच में एक लव एंगल टाइप भी नजर आ रहा था, लेकिन अब शहनाज और पारस के बीच में पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। अब तो शहनाज को पारस छाबड़ा बेहद ही नेगेटिव लगते हैं। अब वो उनके लिए वैसा फील नहीं करती हैं और ना ही पारस छाबड़ा। जी हाँ, और ये सब वो आरती को बताती हुई नजर आई कि वो फिलहाल पारस छाबड़ा के बारे में क्या विचार रखते हैं, किस तरीके का नेगेटिव इंसान है। दरअसल पारस छाबड़ा और माहिरा बातें कर रहे होते हैं शहनाज को लेकर। पारस उन्हें बता रहे होते हैं कि वो शहनाज को आसानी से हरा सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से क्यूट बनने का ट्राई करती हैं, उसको टक्कर देने के लिए वो अपनी टपोरी लैंग्वेज का यूज करेगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसे पसंद करेंगे। तो यहाँ पर शहनाज को लेकर माहिरा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो क्यूट है, मुझे तो बड़ी इरिटेटिंग लगती है वो। और पारस उन्हें बार बार में समझाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये हो जाती है, शहनाज वही होती है और इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन लेती है। और जब पारस वहाँ से चले जाते हैं तो शहनाज आरती के पास आती हैं और बताती हैं कि पारस ना बड़ा बेकार है, मतलब शुरू में तो मुझे समझाता था कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन अब उस माहिरा को समझा रहा है, उसे बता रहा है कि मुझे कैसे डिफीट करना है, उसको आइडियाज दे रहा है। मतलब बड़ा ही नेगेटिव बंदा है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।